दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। तो मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया थम गई सो है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में भी 40-45 दिन का लॉकडाउन शुरू है और 17 तारीख को ख़त्म होने वाला है। इसकी मियाद और भी बढ़ाई जा रही है 31 मई तक, ऐसा पीएम मोदी और सीएम उद्धव जी ठाकरे ने कहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत सारे ईद त्यौहार और भी बारात, शादी बारात ये आते रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग घर बैठे ही मैसेज कर रहे हैं, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं। ऐसे ही हमारे मुंबई के जूनियर शाहरुख खान, जो कि असली शाहरुख खान के साथ बहुत फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनकी सबसे बड़ी फिल्म फैन है, जो कि असली शाहरुख खान के ऊपर फिल्माई गई है और इसमें जूनियर शाहरुख खान यानी कि राजू राजवीर, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वह हमारे ख़ास दोस्त भी है और उन्होंने सभी देशवासियों के लिए एक मैसेज भेजा है। फिल्म इंडस्ट्री से हमारा ख़ास लगाव है और हमें बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं। नसीर भाई, नसीर भाईजान, आज की न्यूज़, ये सब कहते हैं और उनके मैसेज हम तक आते रहते हैं और हम सभी लोगों तक उनके मैसेज पहुंचाते हैं। जूनियर शाहरुख खान और जूनियर अनिल कपूर, जूनियर नाना पाटेकर, जूनियर अमिताभ बच्चन, बहुत सारे जूनियर जो कि हमारे ख़ास दोस्त हैं, और असली रज़ा मुराद साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, सलमान साहब, आमिर साहब और हमारे शमीम साहब, बहुत सारे लोग हमें जानते भी है, पहचानते भी है। ये सब आप ही लोगों का प्यार, मोहब्बत, दुआओं का नतीजा है मेरे साथ में। तो हम जूनियर शाहरुख खान इनकी बात सुनते हैं और इनका मैसेज देखते हैं कि वो लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। मैं राजू रेकवार, जूनियर शाहरुख खान, मुंबई शहर से हूँ और मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज की न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे आप लोग के बीच में आने का मौका दिया और आप लोग से रूबरू होने का। और दोस्तों, कि जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि कोरोना वायरस पूरे हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इससे प्रिकॉशन लेने के लिए कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, प्रशासन की बात मानिए। पीएम मोदी साहब जी ने जो कहा है कि अपने घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और सुरक्षित रहिए, तो मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, लॉकडाउन का पालन करो। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये आम का सीजन चल रहा है दोस्तों, जिसे आम खाना है वो घर में रहेगा, जिसे नहीं खाना वो बाहर घूम सकता है और आप किसी ना किसी की मदद कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आपको घर में रहना है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार, ये कोरोना वायरस मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बहुत लोग की थिंकिंग है, लोग सोचते हैं, लोगों ने बहुत मजाक में लिया है। वो मजाक में लेने की वजह से हमारे देखिए ना, दिन ब दिन आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं। मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, भी हमारी मुंबई की हालत देख लीजिए, मुंबई की हालत बहुत ख़राब है। हम बहुत रेड जोन में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने फैमिली के साथ में हम लोग घर में प्रिकॉशन लेके रहते हैं। अगर आप लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो कोई भी एक व्यक्ति जाइए, चाहे भाजी तरकारी दूध वगैरह लाना हो तो कोई भी एक व्यक्ति जाइए। ये नहीं कि आप रात में निकल रहे हो यार दोस्तों के साथ में टपरीबाजी करो, ये मत कीजिए दोस्तों। ये ना आपके लिए अच्छा है ना आपके परिवार के लिए अच्छा है, क्योंकि एक सदस्य को होना पूरे घर वालों को होना। तो अपने आप को बचाइए, इससे लाखों की जान जा रही दोस्तों। तो मेरी आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री की बहुत दुखद घटना है दोस्तों, कि इरफान खान साहब हमारे बीच में नहीं रहे,
बहुत अच्छे एक्टर थे, महान एक्टर थे जिन्हें कह सकते थे, जिन्हें डॉक्टरी का अवार्ड मिला था। जो किरदार उन्होंने निभाए, शायद ही उनकी ज़िंदगी में ऐसा किरदार कोई नहीं निभा सकता दोस्तों। तो हम बहुत उन्हें याद करेंगे, मिस करेंगे। उनके जस्ट इरफान खान साहब का देहांत होने के बाद तुरंत सेकेंड डे में हमें ऋषि कपूर साहब चले गए। लीजेंड एक्टर है, बहुत बड़े स्टार है, जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत हसीन एक उस ज़माने में 90s 80s के ज़माने में एक लवर बॉय के तौर पर उनकी भूमिका अदा हुई थी और वो उस रोल में आए थे तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। कई सालों से उन्होंने हमें इंटरटेन किया, आपको इंटरटेन किया, तो मैं उनके परिवार के लिए और उनके लिए हाथ जोड़ के नम्र विनंती करूँगा कि मालिक दोनों हमारे स्टारों को उनकी आत्मा को शांति दें और उनके घर वालों को हिम्मत दें, शक्ति दें। और आप सब लोग से मेरी विनंती है हाथ जोड़ के कि कोरोना वायरस से बचे, अपने परिवार को बचाए, अपने देश को बचाए, अपने घर को बचाए। तो मैं राजू रेखवा जूनियर सर के आप लोग से इजाज़त चाहूँगा और आज की न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे फाइट्स के लिए मौका दिया और आप लोग से रूबरू होने का। तो थैंक यू सो मच राजू रेखवा को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू।